दोस्तों, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र दोनों मानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके कारण हमें अपने शुभ कर्मों का फल नहीं मिल पाता या अपने किए परिश्रम का उचित फल नहीं मिल पाता। इनमें से कुछ चीज़ें हमारे घर में सजावट के रूप में दीवारों पर लगी होती हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि घर में लगाई जाने वाली बहुत सी तस्वीरें अशुभ और नकारात्मक प्रभाव देती हैं और आपको कंगाल तक बना सकती हैं। आज हम आपको उन्हीं तस्वीरों के बारे में बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इन तस्वीरों में सबसे पहले नंबर आता है महाभारत के युद्ध की तस्वीर का। बेशक महाभारत हमारा पूजनीय ग्रंथ है, लेकिन इसकी तस्वीरों को घर में सजाना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें एक परिवार के आपसी मतभेद और झगड़े को दिखाया गया है। ऐसे में अगर कोई महाभारत युद्ध की तस्वीर घर में लगाता है तो उस घर में भी लड़ाई झगड़े और तनाव की स्थिति बनी रहती है। दूसरी तस्वीर है ताजमहल की। ये बात आप भी जानते होंगे कि ताजमहल मुमताज की कब्रगाह है, और ऐसी इमारत की तस्वीर को घर में शो पीस के रूप में लगाने से घर में नकारात्मकता फैलती है, इसलिए भूलकर भी घर में ताजमहल की तस्वीर ना लगाएं। अगली तस्वीर है बहते पानी के झरने की। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो घरों में बहते पानी या झरनों की नेचुरल सीनरी लगाना पसंद करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि बहता पानी पैसों का अपव्यय बढ़ाता है। ऐसी तस्वीरें घर में लगाने से आपकी मेहनत व्यर्थ हो जाती है और घर में पैसों की कमी रहने लगती है। इसके बाद नंबर आता है डूबती नाव वाली तस्वीर का। देखने में ये तस्वीरें बहुत अच्छी और अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ये बहुत अशुभ होती हैं, क्योंकि ये आपके सौभाग्य को डुबाकर उसको दुर्भाग्य में बदल देती हैं। ऐसे में आपकी लाइफ भी उस डगमगाती नाव की तरह डगमगाने लगती है। लास्ट है हिंसक जानवरों की तस्वीर। वे लोग जो प्रकृति प्रेमी होते हैं उन्हें घर में जानवरों की तस्वीर लगाने का बहुत शौक होता है, खास तौर से ऐसे जिनमें वे लड़ रहे हों या गुस्से में गुर्रा रहे हों। लेकिन ऐसी तस्वीरें घर के एटमोसफेयर के लिए बहुत नुकसानदेह होती है और घर में हिंसा और अहिंसा की स्थिति पैदा करती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी घर में इनमें से कोई तस्वीर लगाई है तो उन्हें हटा दें और अपने सभी फ्रेंड्स को और अपने सभी फैमिली मेंबर्स को भी इसके बारे में जरूर बताएं। उन्हें बताने के लिए आप उनके पास इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।